रजनीकांत को साउथ में थलाइवा क्यों कहा जाता है, एक इंसिडेंट से समझिए। ये बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में सीएम की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, सीएम की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा। गर्मियों में रूम्स को ठंडा रखने के लिए एसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ते जा रही है। अब इस चीज का इलाज निकाला है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है। इस अल्ट्रा वाइट पेंट को अगर बिल्डिंग या मकानों पे किया जाए तो उससे 98.1% तक सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बेरियम सल्फेट से बनाया जाता है। अब इसकी खास बात ये है कि जिस रूम पे या बिल्डिंग पे इस अल्ट्रा वाइट पेंट को किया जाता है वो लगभग दिन में 4 डिग्री सेल्सियस तक और रात में 10.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है। अब इस पेंट के इस्तेमाल से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजी है। आपको इसके बारे में सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, अगर आपका YouTube पे चैनल है तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब आपके 1 लाख यानी कि 0.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको रूबी प्ले बटन दिया जाता है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर किसी के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो उसे कौन सा प्ले बटन दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है, जो कि आज पूरी ही दुनिया में सिर्फ 4 यूट्यूब चैनल्स को मिला है, जिसमें से 2 यूट्यूब चैनल इंडिया के हैं। उनमें से सबसे पहले आता है टी सीरीज, दूसरे नंबर पे है प्यूडीपाई, तीसरे नंबर पे है कोको मिलन और चौथे नंबर पे है सेट इंडिया। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपके शरीर से निकलने वाले टॉयलेट के कलर से आपके शरीर के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है। जैसे कि अगर टॉयलेट हल्के पीले रंग का या फिर ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और पानी भी अच्छे से पी रहे हैं। लेकिन अगर ये गाढ़े पीले रंग का है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर ये भूरे संतरी कलर का है तो इसका मतलब आपके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये पीला झाग वाला है तो इसका मतलब आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये हल्के लाल रंग का आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के साथ साथ आपकी यूटीआई या फिर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आपने वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन के किताब के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि 2021 में वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का किताब साउथ कोरियन सिंगर वी यानी कि किम टाई ह्यूम को दिया गया और इस लिस्ट में बहुत बार ऋतिक रोशन का भी नाम आया है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने कभी वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम हॉर्स के बारे में सुना है? जी हाँ गाइज, अनऑफिशियली वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम हॉर्स का किताब फ्रेडरिक द ग्रेट को दिया गया है। फ्रेडरिक द ग्रेट दुनिया का अनऑफिशियली सबसे हैंडसम हॉर्स है। गाइस, आपको इस हॉर्स के बारे में सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सैमसंग, आज के पहले तक आपने इस कंपनी का नाम सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है? जी हाँ गाइज, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो कि सैमसंग CNT यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड कंपनी ने बनाई है। इनफैक्ट पूरी ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के मेन कंस्ट्रक्टर में सैमसंग CNT का नाम आता है, जो कि सैमसंग की पेरेंट कंपनी है। क्या इसके पहले तक सैमसंग कंपनी का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।